आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का चौंकाना जारी है। हालांकि मांझी के दिल में क्या है यह तो वही जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से वे हर दिन नए नए फैसले ले रहे हैं उसकी वजह से बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों के लिए भी यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि उनका अगला कदम क्या होगा। वैसे इस समय की सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वे बिहार सरकार में मंत्री थे। देखे तो मांझी का यह फैसला नीतीश कुमार के लिए बड़े झटके के समान है, क्योंकि वे इस वक्त बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं उन्होंने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन समेत अन्य दलों के नेता शामिल होंगे। ऐसे में बिहार में महागठबंधन में फूट नीतीश कुमार के मिशन को कमजोर कर सकता है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। इस नाराजगी की वजह यह है कि नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन उन्होंने महागठबंधन में अपने सहयोगी जीतन राम मांझी को उसका न्योता नहीं भेजा है। वैसे जीतन राम मांझी बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में हैं। कभी वह मरते दम तक नीतीश कुमार का साथ निभाने के लिए कसम खाते हैं, तो कभी वह यह कहकर चौंका देते हैं कि वे अपनी कसम तोड़ भी सकते हैं। कभी मांझी लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों की मांग करते हैं, तो कभी यह कहकर लोगों को हैरान कर देते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। ऐसे में लोग यह भी सवाल कर रहे थे कि अगर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर नवंबर में रैली करके उन्हें क्या हासिल होगा। हालांकि ये चर्चाएं अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मांझी के बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति को गर्म कर दिया। इस दौरान संतोष सुमन ने कहा कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू चाहती थी कि हम अपनी पार्टी को उनके साथ मर्ज कर दे, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं था। संतोष सुमन ने कहा कि हमें जदयू में मर्ज नहीं होना है, हम अकेले संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार हमसे मर्ज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने मर्ज करने से इनकार कर दिया। वहीं संतोष सुमन ने यह भी कहा कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं ये अलग बात है। वहीं संतोष सुमन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी कैसे तोड़ दें। संतोष सुमन ने कहा कि अभी हम महागठबंधन में हैं और कोशिश करेंगे कि उसी में रहें, लेकिन अगर सीट नहीं देंगे तो हम अपना रास्ता देखेंगे। इस तरह संतोष सुमन ने एक तरह से यह साफ कर दिया कि अगर चुनाव के दौरान महागठबंधन में मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो फिर वे इस गठबंधन का त्याग भी कर सकते हैं और संभव है कि मांझी आने वाले समय में NDA का हिस्सा हों। वैसे भी इससे पहले 13 अप्रैल को मांझी ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के दौरान मांझी ने कहा था कि वे माउंटेन मैन दशरथ मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग करने गए थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उसी वक्त से ऐसी चर्चा हो रही थी कि मांझी जल्द ही NDA का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।